जब आप अभी घर जाएं और आपको कोर्ट का एक सम्मन मिले अपने घर पर, तो आप दोपहर का खाना भूल जाइएगा, नहीं होगा। तो कोर्ट में हम लोग नोटिस इशू करने के पहले सोचते हैं किसी को। रोज वकील साहब कहते हैं हुजूर नोटिस कर दिया जाए, कहते हैं नहीं, नोटिस करने के पहले देखेंगे आपका केस नोटिस के लायक है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि वी आर अलाइव टू दिस सिचुएशन, कि एक नोटिस जब किसी को मिलेगा उसके घर पर, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी। भोजन छोड़ करके पहले दौड़ेगा, वकील देखेगा, वकील के फीस का इंतजाम करेगा, घर द्वार बेचेगा, जमीन बेचेगा। सो वी रिस्ट्रेन अवर सेल्फ। आप क्या कर रहे हैं सर? आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर ही नहीं रहे, हेलो, आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं था टू फॉर्म एन ओपिनियन। आपने 107 पढ़ाई नहीं कभी, चूक हुई है यहां पर कि नहीं हुई है, क्या लगता है आपको? ये प्रोविजन आपने कभी इस तरह से पढ़ा नहीं होगा, आई बिलीव नहीं पढ़ा था ना। अब आप देखिए कि क्या हुआ। आपने एक दस्तखत कर दिया 107 के ऑर्डर को, उसके आधार पर क्या क्या तांडव हो गया। अब ये आपको हम पढ़ावे कोर्ट में, हर ऑफिसर को बुला करके, ये संभव है क्या? इसीलिए आपको बुलाया था। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग फीचर। आप क्या पुलिस के कहने से कुछ भी कर देंगे? पुलिस के कहने से विदाउट लुकिंग इनटू एनी मटेरियल किसी को समन कर देंगे? सर इलेक्शन पीरियड में, तो इलेक्शन पीरियड में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को, क्या डिस्टर्ब करेंगे लोगों के फैमिली को, पीस को? आप ये बताइए ना, यू आर अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, आई एम आस्किंग यू वेरी डिस्पैशनेटली, यही घटना आपके साथ हो तो क्या आपको समझ में आएगी? इलेक्शन का टाइम है, इसका मतलब गांव में 10-20 लोगों को वैसे ही समन कर दो। इफ दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, देन ओनली एनआरकी विल बी देयर इन द होल सोसाइटी। अब आप आगे बढ़िए जरा, ये तो एक चैप्टर हुआ, आपने बिगनिंग में गलती कर दिया। सेकंड जरा देखिए, आपने जो समन इशू किया, वो सम्मन का तामिला कहीं है आपके रिकॉर्ड? नहीं है ना। तो सम्मन का जब तामिला रिपोर्ट नहीं है आपके रिकॉर्ड पर, तो आपने वारंट कैसे कर दिया? जरा पढ़िए सेक्शन 87 सीआरपीसी। चलिए क्लास ही होगा आज, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो है ना, अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो पढ़ाएंगे हमें, पढ़िए जरा 87। ए कोर्ट मे इन एनी केस इन विच इट इज इम्पावर्ड बाय द कोर्ट टू इश्यू ए समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन इश्यू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स डिसीजन इन राइटिंग ए वारंट फॉर हिज अरेस्ट ए इफ either before the issue of such summon or after the issue of the same but before the time fixed for his appearance the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons b if at such time he fails to appear and the summon is provided to have been is proved to approved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure. So the same principle will apply in your case, although the word here is court. In addition to summon, agar aap warrant kar rahe hain, then under these two circumstances, and you have to record the reasons. Recording of reasons is must. Aapne kuch likha? कोई रीजन आपने लिखा क्यों वारंट कर रहे हैं? सर वो ऑर्डर में देखिए ना, जरा पढ़ के बताइए ना मुझे।
नोटिस थाना के माध्यम से तामिला किया गया, द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। कहाँ है तामिला रिपोर्ट? कहाँ है तामिला रिपोर्ट? नहीं है ना, फिजिकली नहीं है। रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ऑर्डर में सर। योर रिकॉर्ड योर ऑर्डर सीट इज सेइंग कि तामिला थाना के मार्फत से किया गया। कोई मुझे दिखा दीजिए ना, कोई रिपोर्ट है थाना का, कोई इंफॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड पर होना चाहिए जिसके आधार पर आपने लिखा या आपके पेशकार ने लिखा, कुछ है तो बताइए मुझे सर। सर ओनली सर उस समय जो सर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है सर। हाँ, तो आप क्रिमिनल बना दीजिए लोगों को फिर। अगर ये आपका जवाब है तो आप लोगों को क्रिमिनल बना दीजिए। बना दिया आपने इतने लोगों को, शॉर्ट पीरियड है, यही सब हम रिकॉर्ड कर देते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन, आपका यही एक्सप्लेनेशन है कि शॉर्ट पीरियड था इसलिए हमने कानून की धज्जियां उड़ा दी, कानून को हमने कह दिया रख दो कहीं और इनको वारंट कर दो, देन यू शुड बी हेल्ड लाइबल, यू शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, कोर्ट शुड कंसिडर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, डायरेक्टिंग द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी एंड राइट टू द बीपीएससी एंड यूपीएससी ऑल्सो टू टेक नोट ऑफ योर कंडक्ट। हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस मिस्टर एसडीएम, कि इलेक्शन का समय था इसलिए हमने, शॉर्ट टाइम था इसलिए ये कर दिया। यू आर मेकिंग क्रिमिनल सर, व्हाट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ऑर्डर। और अगर इसी तरह से ऑर्डर कोर्ट में हम सोचे कि कर दें तो क्या कितने लोगों की जिंदगी खराब होगी? जिसके पास पावर होता है ना वो अपने को रिस्ट्रेन करता है। पावर का मतलब ये नहीं ना कि वो पढ़े ना, बचपन में कभी पढ़े कि नहीं, क्षुद्र नदी भरी चली तराई, बचपन में बड़ों ने सिखाया होगा ना कि जिस पेड़ पर फल लगता है वो पेड़ थोड़ा झुक जाता है, ये सिखाया गया था कभी कि नहीं? ये सब तो बड़े लोग सिखाते थे बचपन में, जब पेड़ पर फल लगता है तो वो पेड़ झुक जाता है। वो आपको पावर दिया, आपको एसडीएम बना दिया गया, आप पूरे मिसयूज पर उतर आए। तो दोनों एस्पेक्ट पर कुछ नहीं है आपके रिकॉर्ड, कोई तामला रिपोर्ट नहीं है, फिर भी आपने वारंट कर दिया। सर उस समय तामिला जो होता था सर, वो हम लोगों को रिकॉर्ड पर सर जो व्हाट्सएप से या फिर ओरल तामिला लगा दिया जाता था सर, और नेक्स्ट डेट पर सर हम लोग उसको अगर आकर के बॉन्ड दे देते थे तो फिर वो खत्म। और अदरवाइज यही प्रोसीजर होगा। और अगर आपके व्हाट्सएप पर हम आपको सारी लिवरेज देंगे, अगर आपके व्हाट्सएप पर आया था तामिला तो कोर्ट में भेजने के पहले रिकॉर्ड आपने उसको भी लगा दिया होता या आपने जवाब में भी लिख दिया होता। कहां कहां क्या क्या एक्सप्लेनेशन लीजिएगा आप बताइए, बोलिए क्या करें इसका। सर मुझे माफ करिए सर, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, आई विल नेवर रिपीट। मुझे आपको माफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन एक्सपेक्ट सम गुड थिंग फ्रॉम यू इन फ्यूचर, बट मैं जैसे मैं आपको माफ कर रहा हूं वैसे ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि माफ करना भी एक गुण होना चाहिए। माफ करना कोई गलत नहीं होता है, माफ करना भी एक गुण होता है। तो आप भी जब लोगों से डील कीजिएगा ना तो इस चीज को ध्यान में रख करके कीजिएगा। अगर भविष्य में इस तरह की कोई बात आई आपके विषय में तो कोर्ट विल टेक वेरी सीरियसली
मैं नहीं चाहता हूं आपके भविष्य को खराब कर। और आप ये 107 प्रोसीडिंग का क्या करेंगे सर? यूजुअली इलेक्शन के बाद जितने भी प्रोसीडिंग इनिशिएट होते हैं सर, इलेक्शन कर नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपको रिकॉर्ड करना होगा कि इसमें चूंकि विदाउट एनी फॉलोइंग एनी प्रोसीजर ये स्टार्ट हुआ था ना, ताकि ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई स्टिग्मा ना हो आगे जाकर। जैसे आपको बताया ना कि किस आपके अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाता कि क्यों 107 प्रोसीडिंग हुआ, तो एक्सप्लेन करना पड़ता आपको। वैसे ही आप अगर इस तरह से करेंगे तो उनको भी तो एक्सप्लेन करना होगा। क्यों? इसलिए आप बिल्कुल रिकॉर्ड में लिखेंगे कि साहब ये सब गलतियां हुई हैं, हमने आपको पढ़ा दिया क्या क्या आपने किया है जो आपने एडमिट किया। ठीक है।